मौजूदा वर्ल्ड कप के लिए अनदेखी किए जाने के बाद भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज अंबती रायडू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया। बीसीसीआई अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है। आंध्र के इस 33 साल के खिलाड़ी को ब्रिटेन में चल रहे वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक स्टैंडबाय सूची में रखा गया था, लेकिन ऑलराउंडर विजय शंकर के चोटिल होने के बाद उसकी अनदेखी की गई। हालांकि इस खिलाड़ी ने संन्यास की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि उसने इस फैसले से बीसीसीआई को अवगत करा दिया है। आपको बता दें, रायडू ने भारत के लिए 55 वनडे खेलते हुए 47.5 की औसत से 16,094 रन बनाए हैं। ये खिलाड़ी कभी टेस्ट टीम में जगह नहीं बना सका और वर्ल्ड कप से पहले वह सुर्खियों में बना हुआ था। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कुछ महीने पहले चौथे नंबर के लिए रायडू के नाम की घोषणा की थी, लेकिन टूर्नामेंट के लिए चुनी गई अंतिम टीम में रायडू की अनदेखी की गई और शंकर को चुना गया। मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने इस फैसले को सही करार दिया था। इसके बाद रायडू ने इस बयान का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि वर्ल्ड कप देखने के लिए 3D चश्मे का ऑर्डर किया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।